Hi, my name is Siddhant Karnik and you're watching me on Filmy Beat. आप लोग कह रहे हो 20 years, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि 20 साल हो गए, 40 साल हो जाए तब आए, ठीक है। उस दिन मैं ऐसा बात करूँ, जोर से बोले मत, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कुछ हो रहा है, टाइम पास करने आए थे, किया टाइम पास और फिर बाद में फोन आया और उन्होंने बोला कि सिलेक्टेड। आई थिंक दैट्स व्हाई नेल्ड द ऑडिशन, यू नो, क्योंकि वो प्रेशर नहीं था। करेक्ट, मैं मजे करने गया हूँ, मजा किया और इट वेंट थ्रू। So that's how remix happened. I've been very lucky with fans. I still have a fan. It's been about 18 years. Okay. Every year on my birthday, she sends me 100 roses and a cake. I have fans like this all across. Yeah, all across the world. Animal ke baad main flight se kahin ja raha tha, and I'd gone to the security and normal checking in. Aur security wale ne kaha, sir, aap. मैंने क्या किया, कुछ गलत है क्या? नहीं नहीं सर, आपके लिए वो VIP लाइन है, चलिए। Oh wow! What? I said, huh? Okay. And I just pretended. I've not spoken. I've written a letter to him, okay, and asking. But we have some ideas. I'm hoping. I can't give away. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बातें विद फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर है जिनको मैं कहना चाहूँगा कि जब वो अर्जुन खन्ना बन के हमारी स्क्रीन्स पे आए तो वो नेशनल क्रश बन गए थे और 20 साल के इनके करियर में अब वो नेशनल जीजू कहलाते हैं। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन अदर देन सिद्धार्थ हु इज हियर विद अस टुडे। हाय सिद्धार्थ, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू मुर्तजा, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। यस, वाओ, क्रश टू जीजू, एटलीस्ट नेशनल तो रहा। नेशनल तो है, ऑफ कोर्स। हां ठीक है, गुड। But Siddhant, 20 years, how does it feel, you know, and done everything, TV, films, OTT, sab pe chha gaye ho, but 20 years to complete in this industry, how does that feel? Remix in 2004, I think hum sab bade hue hain wo show dekhkar. आप लोग कह रहे हो 20 years, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि 20 साल हो गए, मतलब हाँ, just to count it down 20 years, but I still know so little. I still feel every time I come in front of a set or camera ki, you know, there's so much more to do. तो 20 साल मुझे कम लगते हैं, I think और 20 साल बाकी, 40 साल हो जाए तब मैं ठीक है, okay, फिर हम 50 years celebration करेंगे। 50 years, wow. उस दिन मैं ऐसा बात करूँ, जोर से बोले मत, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कुछ हो रहा है। No, but I'm sure आप तब भी इतने ही फिट रहोगे जब अभी लग रहे हो। Thank you very much. घर पे झाड़ू कटका मारता हूँ उससे। Oh wow, चलो अभी हमें पता चल गया फिटनेस का। हाँ हाँ, absolutely. कोविड के बाद ये सब सीखने को मिला है। Correct, you know, of course, I would like to know कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी, remix कैसे मिला था, if I go back 20 years ago, किस तरीके से acting की शुरुआत हुई थी, and how did you get that Arjun Khanna part in remix? Wow, you know, मैं actually VJ बनना चाह रहा था। Okay. हाँ, और मैंने एक audition भी दिया था, उस समय channel भी काफी बड़ा channel था, तो उसके लिए गया, and they said, you know, your content is good, पर आप बहुत conscious हो camera के सामने। तो उसी दौरान नील भोपालम, इज आल्सो वेरी गुड एक्टर, तो वी वर कॉलेज फ्रेंड्स, एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स सिंस, तो हम लोग बैठे हुए थे घर पे, उसको एक कॉल आया एक टीवी शो के लिए ऑडिशन जाना है, और उस वक्त हम, मैं और वो भी टीवी को मतलब जरा नीचे दिखाया करते थे, तो हम बोले कुछ कर नहीं रहे, चलो टाइम पास करने जाते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, एंड वी लैंडेड अप ओवर देयर। आई वेंट टू गिव हिम कंपनी एंड द कास्टिंग डायरेक्टर वाज देयर, शी सॉ मी, शी सेड व्हाई डोंट यू आल्सो गिव एन ऑडिशन। टाइम पास करने आए थे, किया टाइम पास और फिर बाद में फोन आया और उन्होंने बोला कि सिलेक्टेड। तो आई वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड, आई थिंक दैट्स व्हाई नेल्ड द ऑडिशन, यू नो, क्योंकि वो प्रेशर नहीं था। करेक्ट, मैं मजे करने गया हूँ, मजा किया और इट वेंट थ्रू, सो दैट्स हाउ रीमिक्स हैपेंड। और मैंने सोचा कि चलो, मुझे ये फीडबैक आया था कि आई नीड टू गेट मोर फेमिलियर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मैं ये शो करूंगा, गेट मोर फेमिलियर एंड आई बिकम अ वीजे, बट life had other destiny plans. Had some other plans. Yes, you know, of course nowadays to kehte hai na ki bahut easily fans aa jate hain, Instagram pe DM kar dete hain wagera, but back in those time, jaise maine kaha ki crush the aap tab females ke, to tab kis tarike se fans aapko contact karte the, kuch crazy, you know, kehte na fan ne kuch kiya tha aapke liye? Do part ka sawal hai, mujhe lagta hai ki pehle part ye hai, pehle to kis tarike se wo aapko interact karte the? Ji, I think us samay better hua karta tha. अच्छा, ओके। अभी इंस्टाग्राम के वजह से इतना एक्सेसिबिलिटी आ गई है, इतने सारे लोग आ गए, यू नो, तो आई थिंक अभी कम फैनफेयर आने लगा है। पहले इट वाज अ लॉट मोर, प्यार जो मिलता था वो अलग ही लेवल का। आई रिमेम्बर एक टाइम पे एक छोटी सी लड़की आई थी मुझे मॉल पे, और रीमिक्स हैड जस्ट स्टार्टेड, आई वाज जस्ट इन रीमिक्स, आई वाज नॉट यूज्ड टू दिस एडोरेशन। आया और वो आई मेरे पास ऑटोग्राफ,
अभी तो फोटोग्राफ्स आ गए उस समय, ऑटोग्राफ की बात आई फाइंड अभी लगता है कि 20 साल हो गया ऑटोग्राफ से फोटोग्राफ में एवोल्यूशन आ गया. तो शी केम टू मी एंड सेड कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ. मेरे पास कुछ था नहीं तो आई टोल्ड आई डोंट हैव एनीथिंग बट समथिंग. तो शी गोज बैक टू हर फादर एंड शी कम्स बैक विद अ 100 रुपी नोट. वाओ. और कहा कि उस पे साइन कर दो. एंड आई वाज फर्स्ट शॉक्ड बिकॉज पहले तो उस समय जमाने में भी 100 रुपए बहुत हुआ करते थे. और उसपे यू नो टू राइट ऑन अ नोट इज ऑल्सो नॉट राइट. तो एनी वेज आई वॉज वेरी अस्टाउंडेड एंड टेकन अबैक बाय दैट एडोरेशन. मैंने किया नहीं. फॉर्चुनेटली एक इनवॉइस मुझे मिला कहीं से तो उस पर मैंने साइन करके दिया. बट दैट वॉज अ वेरी गुड इम्पैक्ट एज टू द इम्पैक्ट ऑफ वॉट फेम कैन डू एंड इट गेट्स पीपल टू डू. आई केप्ट द 100 रुपीज साइन. But I've been very lucky with fans. I still have a fan. It's been about 18 years. Okay. Every year on my birthday, she sends me 100 roses. Oh, wow. And a cake. I have fans oh, like sweet. This all across, yeah, all across the world who send these consistently, you know, with that kind of love. So I feel very fortunate. So this is the good kind of love I receive. Love, yeah. Oh, stalker wives. Stalker wives. Good, good. अच्छी बात है. Yeah. You know, of course, as you said, शुरुआत तो यही थी कि भाई टाइम पास करने जा रहे हैं, ऑडिशन हो गया, you got the work there. But then was it somewhere difficult कि भाई टीवी का वो इमेज छोड़ के to get a movie, वो एक struggle था आपके लिए? To get into films again. जी, struggle तो हाँ, it has been difficult. I think also not for them, it's for myself. Yeah. Once I decided कि मुझे अभी टीवी नहीं करना और I want to move and I've always been doing theatre also. तो वो तो हमेशा चलते आ रहे हैं लेकिन to work with better storytellers that was the objective. And वो transition काफ़ी difficult रहा. I remember एक time आ गया था 2 साल बाद जब मैंने कुछ काम नहीं किया था और मैं रुका हुआ था वो मौका के लिए, वो एक audition के लिए और bank balance में कुछ 6,000 रुपये थे मेरे पास. और एक ऐसा एक समय आता है when you know it makes you really what have I done? Yeah. You know, I was living a very good, comfortable life. I had everything I thought I wanted. But ek zid thi ki nahin, mujhe films karna hai kyunki I want to tell better stories. I want to work with better storytellers. To ek aa gaya tha us samay and I remember us time bhi mujhe call aaya raat ko 10:30 baje kyunki television us tarah se kaam karti hai. Ek casting director ne mujhe phone kiya, kaha ki you know, Star TV pe prime time show lead hai. I would be back again in that thing and I could visualize the entire life, lifestyle, okay. Everything. Bank balance bhi I could visualize, theek hai, you know. But nahin, jab main baat kar raha tha na unse, jab maine niche dekha, mere toes, my toes had curled up like this. My body was cringing. I could not do that again. And I took a decision then. I said, nahin, I've started something. I know I'm down to my last savings. But I need to carry on this. Otherwise, my body is only rejecting it. So I carried on and a month later I got a call for Thappad. I played the Leeds brother. It was something, somewhere. And I knew ki I had to start from scratch again. Ye mere mein kabhi galat fahmi nahi thi ki Leeds kar raha tha main aur fir transition mein mujhe Leeds mein, aisa nahi hoga. I had to start from, so I played the Leeds brother and then found my way up. Correct. I did a Swiss film after that and then so on and so forth. And today it is, I am here sitting in front of you good people. अगर मैं मूवीज की बात करूँ, कहीं ना कहीं आदि पुरुष वॉज अ बिग थिंग. जो प्लेड विभीषण, जिनके बारे में हम लोग कहते हैं ना कि विभीषण तो कहते हैं आस्तीन का सांप निकला, जो कहा जाता है हमेशा. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन द फिल्म डिडंट डू वेल, डिड दैट डिसअपॉइंट यू? ऑफ कोर्स, एनीथिंग यू पुट योर बॉडी सोल एंड यू सी द फुल टीम पुट देयर इंटेंशन एंड इट डजंट वर्क आउट, अफसोस तो होता है. बट दैट्स लाइफ, दैट्स फिल्म मेकिंग, दैट्स मूवी मेकिंग. You just accept it and roll with the punches, okay? Correct. But I was great in it, no? Yeah, of course. Vibhishan, I mean, it was different also because, you know, you get that, you change that look and all those things were also there. So it was different. And Vibhishan, it was not in people's minds, in their mind, so it was a new kind of Vibhishan. Correct, And I got great reviews from it. I remember reading some of the reviews also. Oh, Vibhishan, Siddhant Karne. That's what I take back, yeah. Selective listening, no? Correct. And how did Animal change your life? Not in a drastic way. It's changed only because of the perception, audiences, बहुत सारे लोग और पहचानने लगे, नया fan base आने लगा है. लेकिन life is the same. I am the same. Yeah. People around me are the same. People coming and telling you, जीजा जी selfie चाहिए.
हाँ यार वो पहले जीजा जी, उससे पहले राणा जी, उससे पहले कुछ और, तो वो तो होता राणा जी तो ऑफकोर्स हाँ, तो दैट इज ऑलवेज फॉर्चुनेटली बीन अ गुड ट्रेंड. बट हाँ कुछ ज्यादा ही इस बार मुझे मैं एनिमल के बाद मैं फ्लाइट से कहीं जा रहा था एंड आई हैड गॉन टू द सिक्योरिटी एंड नॉर्मल चेकिंग इन और सिक्योरिटी वाले ने बोला सर आप मैंने क्या किया कुछ गलत है क्या नहीं नहीं सर आपके लिए वो वीआईपी लाइन है चलिए व्हाट आई सेड हां ओके एंड आई जस्ट प्रिटेंडेड सो इन दोस एस्पेक्ट्स इट इज अ लिटिल बेटर बट लाइफ इज स्टिल द सेम कुछ बदला नहीं यू नो बट कहीं ना कहीं आई डोंट ऑफ कोर्स योर कैरेक्टर्स नो मोर इन एनिमल बट एनिमल पार्क में कहीं कुछ संदीप से बात हुई है कि मे बी कहीं डाल दो एक केमियो के लिए ही बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में हैव यू स्पोकन टू हिम एनीथिंग लाइक आई हैव नॉट स्पोकन आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम ओके एंड आस्किंग बट वी हैव सम आइडियाज आई एम होपिंग आई कांट गिव अवे या समथिंग अच्छा मतलब हिंट तो है दैट मे बी दैट स्माइल सेज इट लेट्स होप सो करेक्ट यू नो ऑफ कोर्स एज आई सेड दैट यू हैव डन everything or you know TV se start karke movies and then OTT there was a phase in between jab TV actors ko na especially sirf erotic thrillers mein liya jata tha was they even offered to you like a few days ago I even spoke to Aamir also Aamir Ali and even he said ki ha unko bahut aise offers aaye but were they even offered to you and he said that he backed out ki mujhe nahi karna hai but ek phase aaya tha beech mein you know where TV actors were only mainly seen in doing erotic really? thrillers no, I didn't get those kind of calls never no I mean one or two not erotic I mean define erotic content what do you maybe mean? Like an hate story kind of a movie nahi mujhe nahi okay yeah I wish I would have liked to have broken I like to break boundaries yes true. I like to do things which are different maybe if I get that opportunity I'll do it in a different yeah. way you know how I played Vibhishan in a different way I played Correct. Jija in a different way I'd love to do things differently to mauka mile to yeah why not yeah? I'd like to explore my erotic side